प्रथम तहलका न्यूज। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे किसानों को हर एक ओर से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अब इसी कड़ी में फतेहाबाद के निजी स्कूलों का नाम भी जुड़ गया है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल संघ ने किसानों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया और 8 दिसंबर को भारत बंद में समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि भारत बंद के दौरान सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल संघ के फतेहाबाद जिला प्रधान शैलेंद्र गोस्वामी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश का किसान अन्नदाता है और आज वो तकलीफ में है, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि किसान की तकलीफ को समझे और उनका साथ दें। 3 अध्यादेश जो लागू किए गए हैं, हमारे धरती पुत्र किसानों को वो जो अध्यादेश है उसमें काफ़ी खामियां नज़र आई हैं और वास्तव में उस अध्यादेश को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें काफ़ी खामियां नज़र आती हैं। अगर हमारे देश का किसान दुखी होगा तो देश का हर व्यक्ति भी दुखी होगा, क्योंकि आज अनाज पैदा करने वाला हमारा धरती पुत्र कड़ाके की ठंड के बावजूद, ठंड की परवाह न करते हुए, धुंध की परवाह न करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। तो हम दिल से, खुले मन से उन किसानों के समर्थन में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इसी की एवज में हमने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल संघ जिला फतेहाबाद की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि कल 8 दिसंबर को हम अपना ऑनलाइन जो कार्य है वो बंद रखेंगे। वह स्कूलों पर मुख्य गेट पर ताला लगाकर रोष व्यक्त करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ और किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल संघ की ओर से सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएंगे और प्राइवेट स्कूल में किसी भी तरह का ऑनलाइन काम नहीं होगा। ऑनलाइन पढ़ाई का काम बिल्कुल ही बंद रखा जाएगा और स्कूलों के मुख्य गेट पर ताले लगे हुए नजर आएंगे। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।